विचार आप लोगों ने आज किया है और इसी को कहते हैं संघर्ष जिंदगी है। गायत्री मंत्र इसी का नाम है। गायत्री मंत्र एक आदमी को अंदर से जज्बा और साहस जगाता है। निकले तो आज 12:30 बजे, लेकिन बोल बम का जो चक्कर है कई गाड़ियां बदलनी पड़ी। महाकाल से प्रार्थना की स समय पहुंच सके। वैसे भी हमारा था कि 6:30 बजे क्लास एंड होता है, कम से कम अंतिम हम लोग कुछ अपनों से अपनी बात हो जाए। 3 विद्यार्थियों ने अभी तक अपना अनुभव शेयर किए हैं, मेडिटेशन का क्या चमत्कार है। मित्रों, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय किसान जय जवान जय किसान, वो अधूरा नारा लग रहा था। तो वाजपेयी जी ने कहा जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये समग्र बना। उसी तरीके से आज दुनिया में हर तरह की टेक्नोलॉजी का लोगों ने आविष्कार किया, लेकिन शांति सुख और संतोष का विज्ञान आज पूरी मानवता से गायब है। पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है। आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस ज्वलंत मुद्दे से विद्यार्थी वर्ग को जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। वह ज्वलंत मुद्दा क्या है? आज प्रदूषण की समस्या है। आज के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? धरती के तापमान का लगातार बढ़ना। आज के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? समुद्र के जल स्तर का बढ़ना। आज के ज्वलंत मुद्दे क्या है? हिम ग्लेशियर का पिघलना, हिम का पहाड़ धीरे धीरे पिघल रहा है। आज का ज्वलंत मुद्दे है प्रकृति, नेचर हमसे नाराज हो गया है। सावन के महीने में असंतुलित वर्षा, कहीं इतनी बाढ़ आई है उत्तर बिहार में कि लोग परेशान हैं और कहीं जल बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सारे समस्याओं को हम एक मुस्तैदी समाधान की दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो आज आदमी के पास धन बल भी है, जन बल भी है, बुद्धि बल भी है, लेकिन इंसान के पास जो सदाचार और अध्यात्म का बल था आज पूरी दुनिया से गायब हो गई है। आज वर्तमान समय मनुष्य के पास टीवी सेट, कूलर सेट, मोबाइल सेट, बट माइंड अपसेट, हर आदमी का तनाव में जीवन गुजर रहा है। ऐसे समय में आप देखेंगे, अभी दुबई में जब हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का वहाँ रेडियो स्टेशन ने जो इंटरव्यू लिया है, हम आज लिंक डालेंगे, आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से विभाग तरीके से उन्हें मानवता को आज का दिग्दर्शन कराया। तो इसलिए आज प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड के माध्यम से जो हजारीबाग में हम लोगों ने एक दिशा दिखाने का जो संकल्प लिए हैं, उस संकल्प की पूर्ति में आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। आज के चाहे जिस भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं, उसमें अध्यात्म का बल अति आवश्यक है। अध्यात्म का बल, आध्यात्मिक जीवन शैली यदि आप नहीं अपनाते हैं, अभी हाल में अखबार में पढ़े होंगे कि नासा के वैज्ञानिकों ने यहाँ से कहिए भारद्वाज ऋषि का जो विमान शास्त्र था, जो विद्या थी, उस मेथड को वहां मंगाया गया है। तो इस तरीके से हम अपनी एबिलिटी को, आज के हाल के महापुरुषों को देखा जाए, जितने जो 100 वर्ष 150 वर्ष के जो महापुरुष हुए, उन सभी लोग प्रतिभा और पराक्रम, ये दो शब्द आया है। प्रतिभा विकसित होती है पराक्रम, मनोयोग और श्रम के द्वारा, लेकिन प्रतिभा जब अध्यात्म से जुड़ता है तो वो उच्च स्तरीय काम में उसका प्रयोग होता है। और प्रतिभा जब तक अध्यात्म का शरण नहीं लेता है, तो प्रतिभा के माध्यम से लोग बहुत अच्छे टीवी का कलाकार बन जाते हैं, बहुत अच्छे सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बहुत अच्छे हीरो बन जाते हैं, बहुत अच्छे कहिए कि वो इस तरीके से हास्य कलाकार बन जाते हैं, और बदले में बहुत रुपया पैसा कमाते हैं। उनके पास हजारों में नहीं, लाखों करोड़ों में मिलियन होते हैं लोग, और एक ही उनका उद्देश्य होता है, जनता के पैकेट का दोहन करना। यदि कोई क्रिकेट में चौका छक्का लगा लिया और अच्छा नंबर ले आया, तो बाद में वो सीमेंट का प्रचार करना शुरू कर देता है, छड़ सरिया का प्रचार करना शुरू कर देता है। देखते हैं सौरभ गांगुली भी रोड में आ रहे थे, कई जगह उनका पोस्टर लगा हुआ है कि ये अच्छा सरिया, मजबूत सरिया है। उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारा नाम चमक गया तो अब हम अधिक से अधिक धन की उगाही करें। लेकिन अभी इसके उलट जो गायत्री पवार की बातें कर रही है, गायत्री पवार किसी को भूखा रहने के लिए नहीं कर रहा है, किसी को नंगा नहीं रहने कर रहा है। अभी तो युवाओं का रोल मॉडल हो गया है कौन, अभी हाल में बड़ा रन कर रहा है मीडिया में, रणवीर सिंह। रणवीर कौन सा रन किया भाई, कौन सा संग्राम में वो संघर्ष किया? मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया, बढ़ती तापमान को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष किया, गिरते भूजल स्तर को कंट्रोल करने के, नियंत्रण करने का कोई उपाय किया? ऐसा कोई काम नहीं किया। ये जितने सेलिब्रिटी बॉलीवुड के, ये शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, अजय देवगन, ये क्या कर रहे हैं? ये गुटखा का प्रचार करने में लगे हुए, गुटखा गुटखा। और हम गायत्री पवार के लोग युवाओं को क्यों जमा कर रहे हैं? हम एंटी गुटखा टीम तैयार करेंगे। चाहिए हीरो लोग हजारीबाग में भी भीड़ लगाकर प्रचार करें चौक चौराहा पर, तो हमारे यूथ सेल में आने वाले
हमारे मेडिटेशन में क्लास में आने वाले युवा लोग उसको वो गुटखा खिला नहीं सके। इस तरह का हम एक माहौल तैयार करना चाहते हैं। हम एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ एक जीवन का ऐसा बिंदु आपको मिल जाए जो आपका जीवन रिटायरमेंट तक, नौकरी के काल से लेकर अंतिम समय तक आपके अंदर शांति, सुख, संतोष का विज्ञान आपके जीवन में बना रहे। जो दलिद्रीपन आज लोगों के दिमाग में छाया है, चाहे जितना धन कुबेर बन जाए करोड़ों के, आज देख लिए हमारे सेलिब्रिटी पर सुप्रीम कोर्ट क्रिकेट MS धोनी साहब को नोटिस जारी किया है। सब लोगों का एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक धन की उगाही करो, अधिकस्यम अधिकम फलम। जितना अपने लिए आप धन इकट्ठा कर लेते हैं, जितने दौलत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इसके बदले आप कुछ महापुरुषों को दो चार मिनट में ही अपनी बात समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका समय काफी हो गया है। आप देखेंगे अभी 150-100 वर्ष पहले अरविंद घोष को आप देखेंगे, अरविंद घोष क्या अच्छे ICS थे, वो ICS की नौकरी किए, उसमें बंगाल में अच्छी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका चयन हुआ, लेकिन बाद में जब उनकी प्रतिभा पराक्रम से जुड़ा तो वो महर्षि वो सारा नौकरी को त्याग करके पांडिचेरी चले गए और उन्होंने कठिन तप किया, एक गुफा में बंद रहे और वही अरविंद घोष क्या बन गए, महर्षि अरविंद बन गए। बोले हम भाग नहीं रहे समाज से, लेकिन हम मेडिटेशन से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करना चाहते हैं कि देश में हर क्षेत्र में, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, क्रांतिकारी हो, हर क्षेत्र में ऐसे महापुरुषों का उद्भव हो कि अंग्रेजों का दांत खट्टे हो जाए। और देखेंगे आजादी के समय में साहित्य के क्षेत्र में मैथिलीकरण शरण गुप्त से लेकर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर से लेकर महादेवी वर्मा से लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर, ये साहित्य में कवि के क्षेत्र में देख लीजिए, क्रांतिकारियों की सूची में लिख लिए खुद्दीराम बोस, भगत सिंह, ऐसे झांसी की रानी, मंगल पांडे, बाबू कुंवर सिंह या बिरसा मुंडा, एक साथ आजादी के आंदोलन के दीवानों को देखे तो इतिहास किसी पन्ने में ऐसे लोगों का आपको नाम नहीं मिलेगा, जब एक साथ शहीदों की टोली का अवतार हुआ और एक से एक त्याग करने वाले लोग, बलिदान करने वाले लोग। यदि हम भूल से बच जाते हैं तो बड़ा पछतावा होगा, हम शहीद हो जाएं इसी में हमारी जीवन की सार्थकता है। जैसे नेता लोग फूल का माला पहनने के लिए बेचैन रहते हैं, आजादी के दीवाने लोग फांसी के फंदों को चुमने के लिए बेचैन था। ये महर्षि अरविंद की तपस्या के फल स्वरूप हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद वकील के बेटा थे, उनके अंदर प्रतिभा इतनी थी कि पेज पढ़ते थे और उनको याद हो जाता था, वो हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज तो आराम से बन जाते, लेकिन उनकी प्रतिभा जब उच्च स्तरीय प्रयोजन से जुड़ा तो वो क्या बन गए, एक योद्धा सन्यासी। भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक तरीके से ऐसा प्रस्तुतिकरण करते हैं कि पूरे पश्चिम के जगत के लोगों का क्या हो जाता है मित्रों, मुंह बंद हो जाता है, पूरी तरह से उनका मुंह बंद हो जाता है और उनको लगने लगता है, जो पुराण शरीफ में लिखा हुआ है कि हमको पूर्व के देशों से जन्नत की खुशबू आ रही है। पूर्व का देश किसको कहते हैं, ये भारत जहाँ संस्कृति का जन्म हुआ, ये वो भारत है जहाँ अध्यात्म का जन्म हुआ, ये वो भारत है जहाँ परमाणु विद्या का सबसे पहली परीक्षण किया गया, ये वो भारत है जहाँ एक कहिए बढ़ई के लड़के को चंद्र अखंड चक्रवर्ती सम्राट शासक के रूप में प्रणत कर जाता है, वो भारत है जब भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी छोटा सा कुटिया में अपना चाणक्य गुजारा करते हैं, ये वो भारत है जिनने ज्ञान और विज्ञान हर क्षेत्र में पूरी दुनिया को सजाने का काम किया है। और हम उसी भारत की ओर लौटना चाहते हैं, किसके बल पर, विज्ञान के बल पर नहीं। विज्ञान तो आने वाले बहुत समय में, जो इस विज्ञान के भरोसे हम लोग जिंदा हैं वह विज्ञान की अपनी मौत होने जा रही है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का किताब पढ़ेंगे हमारी भविष्यवाणी, उसमें कहा विज्ञान के जो स्रोत हैं खनिज तेल विद्युत, ये उत्पादन स्रोत ही सूख जाएंगे तब विज्ञान जीवित कैसे रहेगा। तब गुरु जी लिखते हैं तब उसका नाम भौतिक विज्ञान न होकर अध्यात्म विज्ञान हो जाएगा। और जो पोल्यूशन की समस्या बढ़ रही है, आज हवा में जो जहर घुल रहा है वो जैसे अध्यात्म विज्ञान आ जाएगा प्रदूषण की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव लिखते हैं जनसंख्या बढ़ने से भी किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 21वीं सदी की नारी इतनी जीवंत और जागृत हो जाएगी कि सरस्वती लक्ष्मी काली के रूप में अपनी गरिमा का फिर से वो परिचय देगी और अनावश्यक संतान उत्पादन से स्वयं इनकार कर देगी। यदि माता जननी ही इनकार कर देगी कि अनावश्यक संतान उत्पादन हम नहीं करेंगे तो मित्रों जनसंख्या बढ़ेगी कैसे, वो कहेगी हमारे शरीर में इतना क्षमता नहीं है कि हम 4 और 5 बच्चे पैदा कर सके, हम उचित संतान पैदा करेंगे और उसको क्या बनाएंगे, हम महापुरुष बनाएंगे, उसको सेलिब्रिटी बनाएंगे। इसलिए हम लोगों का वह अवसर तो चूक गया, भले घर से हम लोगों को ऐसी व्यवस्था मिली कि नहीं मिली, जो भरत को मिला था जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, शकुंतला के गर्भ से जन्म लेने वाला भरत,
लेकिन हजारीबाग एक ऐसा अध्यात्म का आपको मॉडल दिया है जहां से अध्यात्म के सही स्वरूप को, जो अध्यात्म को अभी आपको कितना डोज लेना है, अभी आपको अपने जीवन बनाने का, जिससे आपका जीवन बन जाए, क्योंकि एक तैराक ही डूबते हुए को बचा सकता है। यदि हम तैराक नहीं है और पानी में किसी को बचाना चाहे तो स्वयं भी डूब मरेंगे और वो तो मरेगा ही। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले बी एंड मेट, स्वामी विवेकानंद के, सबसे पहले अपने आप को बनाइए। जो अपने आप को बनाएगा, जो अंदर से फिट होगा, अध्यात्म अंदर से फिट करता है। आज आदमी बाहर से फिट है, कैसा है बोला, कम कपड़ा पहनना है। रणवीर कोई कपड़ा नहीं पहना तो हमारा बोला आदर्श भगत सिंह नहीं है, वही रणवीर सिंह है, हम भी कपड़ा खोल देंगे। मित्रों, इस लफड़ा में यदि अपनी जवानी को बर्बाद किए, इस लफड़े में भी पड़े, तो बोले ना कि वो जो 10 साल का समय मिला था, 10 घंटे का समय मिला था और जो दूरी तय करनी थी उसी में वो मेंटेन नहीं कर पाया, अभी क्या है। इसलिए समय की कीमत को पहचानिए, अपनी युवावस्था को पहचानिए, अपनी जवानी की कीमत को पहचानिए, अपनी विद्यार्थी जीवन को पहचानिए, और ये जो कीमती समय मिला है इसमें आप इस हजारों की भीड़ से आप 5 पांडव बनाइए अपने आप को। पांडव की श्रेणी में लाइए, जहां युद्ध, जिस युद्ध में पांडव की जीत निश्चित है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन इन विरोधियों को तो मैंने पहले ही मार दिया है, तुम्हारे लिए विजय की मालाएं बनाकर रखी, तो हजारीबाग में भी ये मंच आपके लिए विजय का माला बनाकर रखा है। चाहे पीएससी के क्षेत्र में जाएं, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में जाएं, चाहे सिंगर बनना चाहते हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, यदि मेडिटेशन क्लास से आपका रिश्ता रहा तो विश्वास पूर्वक हम कहना चाहते हैं, पटना युवा प्रकोष्ठ की तरह जो 27 वर्षों की यात्रा में कम से कम लाखों लोग वहां से बैंकिंग, रेलवे, जेपीएससी जिस प्रकार कंप्लीट करते हैं वर्ष, आपको भी उसी तरह की सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है जीवन जीने की कला, यहाँ सिखाया जाता है आर्ट ऑफ लिविंग। यहाँ जो एनर्जी का उत्पादन होता है वो एनर्जी कहाँ से आएगा, तो अपने अंतस से जनरेट करना पड़ेगा, और उसका माध्यम क्या है, मेडिटेशन। एनर्जी वो अध्यात्म आपको अंदर से जनरेट करेगा, अंदर से आपको एनर्जेटिक बनाएगा, और जो अंदर से एनर्जी महसूस करेगा वही आदमी कुछ कर सकता है। और इसलिए हाल के जितने महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर, अब्राहम लिंकन से पूछा, बोला आप इतने बड़े महापुरुष विश्व स्तर का कैसे बन गए, बोला मेरे जन्म देने वाली माँ तो नहीं रही, लेकिन जो निर्माण का भार लिया उसी के मात्र में एक खिलौना हूं। अब्राहम लिंकन जो वर्ल्ड लेवल के महापुरुष माने जाते हैं। एडिसन को 22 वर्ष की अवस्था में कॉलेज स्कूल से निकाल दिया जाता है कि आप इतने मंद बुद्धि के हैं जो आप पढ़ नहीं सकते हैं। उसकी माँ अपने छाती से चिपकाती है कि बेटा तुम में बहुत ताकत है, पीठ पर हाथ सहलाती है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, और एडिसन बल्ब का आविष्कार कर देता है। इसलिए यह मेडिटेशन कह रहा है, कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं है, यहाँ आने वाला कोई भी विद्यार्थी बेकार नहीं है। वेद का पहला शब्द है, स्वयं विवेकानंद ने कहा, तुम सिंह की संतान हो, बिल्ली की तरह म्याओ मत करो, सिंह की तरह गर्जना करो। पर्वत के समान भले दुर्भेद, हमारा रास्ता पर्वत के समान दुर्भेद हो, सिंह के समान भयंकर हो और काली रात की तरह डरावनी हो, लेकिन यदि अध्यात्म का बल हमारे जीवन में आ गया, यदि हमने मेडिटेशन से निष्ठा जोड़ लिया, हमने सेवा का मार्ग अपनाया, यदि एवरीडे गायत्री मंत्र का हमने जप किया और 1 घंटा पटना युवा प्रकोष्ठ की तरीके से सेवा का प्रकल्प, जो विद्यार्थी लोग कहते हैं हम वीडियो बनेंगे, हम अधिकारी बनेंगे तो समाज के लिए काम करेंगे, जो विद्यार्थी जीवन में ही यदि सेवा का भाव हमारे अंदर नहीं है तो नौकरी करने के बाद हम पूजा सिंगल बन सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। इसलिए लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा, ये धरती के रहने वालों धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भूपर लाना है। ये धरती के रहने वालों धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भूपर लाना है। इसलिए इस भू पर हम लोगों को लाना है, और यदि अध्यात्म का बल हमारे जीवन में आ गया, मित्रों यदि विद्यार्थी जीवन से 1 घंटा हम सेवा का भाव लिए, पटना युवा प्रकोष्ठ के विद्यार्थी लोग कम से कम वहां 200 वॉलंटियर हैं जो एवरीडे 1.5 घंटा गरीब बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया का बच्चा जिनको हम बुलाते हैं तो उल्टी हमको सिट्टी बजा के गाली दे के भागता है, ऐसे बच्चों को चॉकलेट कॉपी पेन के माध्यम से दुलार पूर्वक प्रेम पूर्वक लोग खुले आसमान में पेड़ की छाया में, कहीं जो वो कहिए कि सरकारी भवन का जो बरामदा खाली हो जाता है ऑफिस बंद होने के बाद 4 बजे, ऐसे खुले आसमान के छत पर, आप पटना कभी जाएंगे तो कंकड़ बाग, राजेंद्र नगर, मुसल्लमपुर हाट, वो पूरे एरिया में आप 4 बजे के बाद देखेंगे
कम से कम 50 जगह 100-100 बच्चा लेकर पटना युवा प्रकोष्ठ के लोग बैठे रहते हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं। उससे फायदा क्या होता है, उनका हेजिटेशन दूर होता है, उनकी एबिलिटी का विकास होता है। और वास्तव में गरीबी है क्या, समाज में हमारा सहयोग कैसे चाहिए, उसका भान होता है। और जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम होता है। इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे कि देवर्षि नारद जा रहे थे विष्णुलोक, उधर से एक देवदूत आ रहा था तो उनके हाथ में एक लिस्ट था। बोला इसमें कौन सा लिस्ट है, बोला इसमें भक्तों का लिस्ट है। तो नारद जी ने देखा तो उसमें कहीं नारद जी का नाम नहीं था। बड़े निराश हुए कि हम इतने बड़े भगवान विष्णु के भक्त हैं और लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। वो निराश होकर नारायण नारायण कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब पहुंचने वाले थे विष्णुलोक, दूसरा देवदूत आ रहा था। बोला ये तुम्हारे हाथ में लिस्ट है, कौन सा लिस्ट है देवदूत दिखाओ। बोला इसमें उन भक्तों की सूची है जिसकी भगवान स्वयं भक्ति करते हैं और उस सूची में नारद जी का नाम पहले अक्षर में था। यदि आप विद्यार्थी लोग विश्वास पूर्वक पटना के रोल मॉडल की तरह और हमारे 25 साल के अनुभव के आधार पर यदि इस पर आप विश्वास कर सकें तो मैं आपके आत्मविश्वास को जगाते हुए अध्यात्म के इस मंच से घोषणा करता हूं कि आने वाले दिनों में सफलता की सूची में सबसे पहले आप लोगों का नाम होगा। आप लोगों को सफलता मिलेगी, आपकी नौकरी लगेगी और आप अच्छे क्षेत्र में सफल बनेंगे। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को बहुत बहुत विराम देते हैं। और पिछले 1.5 साल से जो हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज 3 बजे हम कहाँ थे, 3:20 तक हम खोरी महुआ मोड़ में थे। यहाँ से 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी, लग नहीं रहा था कि आज पहुंच पाएंगे, लेकिन बस गुरुदेव पर विश्वास था। कैसे